dear students, how are you? Welcome to the Kyle Science Academy. My name is Muhammad Bilal and I am here to teach you physics class 9. तो जैसा कि students आप जानते हैं कि हमने physics class 9 की एक series start की हुई है. आज हम उसी series का एक नया topic start करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास base units and derived units. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये समझ आए, तो आपने क्या करना है कि इससे पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज के बारे में, वो जरूर पढ़िएगा ताकि आपको इसकी इजीली समझ आ सके. तो चलते हैं हम बोर्ड की तरफ. तो सबसे पहले हमारे पास है बेस यूनिट्स. बेस यूनिट्स क्या होते हैं? जो बेसिकली बेस क्वांटिटीज को बयान करेंगे हमारे पास, वही हमारे पास कहलाएंगे बेस यूनिट्स. अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें, वो है हमारे पास द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स. यानी कि वो यूनिट जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज को बयान करेंगे, वो कौन से यूनिट्स कहलाएंगे? बेस यूनिट्स कहलाएंगे. अब हम देख, इससे पहले हम बेस क्वांटिटीज को डिस्कस कर चुके हैं. ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस डिटेल के साथ किया था इनको. तो इनके नेक्स्ट हमारे पास यूनिट्स, जैसे कि लेंथ है, लेंथ का यूनिट है हमारे पास मीटर. मास, इसके यूनिट है हमारे पास किलोग्राम. जो सिंबल है वो केजी है. नेक्स्ट है हमारे पास टाइम, टाइम का यूनिट है सेकंड. इसकी सिंबल जो है हमारे पास वो है एस. इलेक्ट्रिक करंट, इसकी हमारे पास यूनिट है जो वो है एम्पियर, इसकी सिंबल ए. नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसकी जो हमारे पास ये हमने डिस्कस किया पीछे, तो इसका जो यूनिट है हमारे पास वो है कैंडेला, इसकी जो सिंबल है हमारे पास वो है सीडी. नेक्स्ट है टेम्परेचर का जो हमारे पास यूनिट है वो है केल्विन, इसी के साथ इसकी जो सिंबल है वो है के. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसकी जो हमारे पास सिंबल है वो है एम ओ एल. तो ये थे हमारे पास 7 बेस यूनिट्स. तो आपने क्या करना है कि इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है. इनका फायदा क्या होगा कि फिजिक्स के अंदर आपने किसी भी क्वांटिटीज का कोई भी आपके पास फार्मूला आ गया है, क्वांटिटीज आ गई है, अगर आपने क्या करना है कि उसका यूनिट फाइंड करना है, तो अगर आपको ये 7 याद होंगी, यूनिट्स याद होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटीज का, किसी भी चीज का आप फार्मूला डिस्कस, यानी आप निकाल सकते हैं इन 7. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होंगे? बेसिकली हमारे पास जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो कौन से हैं? जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को बयान करेंगे, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं हम. तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब्स डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. ये जो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स है, ये किससे बनाए जाते हैं? इनसे ही बनाए जाते हैं. तो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स, स्पीड हमारे पास, इसका जो यूनिट है हमारे पास वो क्या है? मीटर पर सेकंड. इसकी जो सिंबल है हमारे पास वो है एम एस माइनस 1. ये अब आता कैसे है? बेसिकली इसके लिए आपको क्या है, इसका फार्मूला याद रखना चाहिए कि जैसे कि हमारे पास जो ये वाला है, हमारे पास इक्वल होता है, वी इक्वल होता है डी और टी के. अब ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर. हम मीटर लिख देंगे. इसी तरह टाइम के यूनिट हमने पढ़ लिए, सेकंड, सेकंड लिख देंगे. अब इसको ऊपर लेके चलो, हमारे पास क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड. ये आ गया ऐसे ही. तो इस तरह से ये बनते हैं, जस्ट ये 7 है, इनसे ही हमने ये बनाते हैं. नेक्स्ट अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड पर सेकंड. इसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं. कैसे? बेस सेम है हमारे पास, पावर ऐड हो जाएगी, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा. अब ये कैसे आता है, इसके लिए देखो, एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल होता है वी ओवर टी के. अब हम वी के यूनिट निकाल चुके हैं, यही वैल्यूज यहां पे आएगी. तो मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं मीटर पर सेकंड, और ये टाइम पड़ा हुआ है इसका फिर सेकंड. इसको ऊपर लेके जाएं, क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड पर सेकंड. ये बन नहीं गया. तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लें वॉल्यूम की, वॉल्यूम के हमारे पास होते हैं क्यूबिक मीटर. यानी कि हमारे पास 3 लेंथ है, उसके लिए अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, वो हमारे पास मीटर क्यूब आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स.
यूनिट है हमारे पास वो है न्यूटन। न्यूटन ये बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है, ये जो एन है ना एन, ये साइंटिस्ट के नेम से ही है यूनिट। नेक्स्ट है जो हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप ये भी निकालना चाहते हैं कैसे आया, तो इसके लिए आपको फार्मूला, ये नेक्स्ट आप सारे फार्मूले पढ़ेंगे। एफ इक्वल होता है एम ए के, हमने फोर्स का यूनिट निकालना है, मैस का यूनिट क्या है पता है वो लिखे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किलोग्राम। एक्सेलरेशन के ये भी हमने निकाल लिए हैं, आप डायरेक्ट मैं लिखने लगा हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर, प्रेशर के यूनिट है पास्कल। जिसने इस चीज का कंसेप्ट दिया था बेसिकली वो हमारे पास एक पास्कल था, एक साइंटिस्ट का नाम था। ये जो पी ए है ये इसकी अपने नाम से ही है, ठीक है, तो ये न्यूटन पर मीटर इसका आता है। प्रेशर के लिए आपको पता ना, ये प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इसके हमने यूनिट निकालने हैं क्या आएंगे, फोर्स के हमने क्या किए हैं न्यूटन भी हमने डिस्कस किया। अगर इधर मैं न्यूटन लिख लूं तो ये हमारे पास क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया हमारे पास क्या होता है, दो लेंथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास एरिया आ जाता है। इसे दो लेंथ है, इसका मतलब हमारे पास ये क्या आएगा नीचे, एक लेंथ के लिए मीटर, मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करें मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास है डेंसिटी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसके लिए भी आपको इसका फार्मूला याद रखना चाहिए, डेंसिटी हमारे पास इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। तो हमारे पास मैस के किलोग्राम, वॉल्यूम के हमने पढ़ लिए हैं मीटर क्यूब, ऊपर हम पढ़ के हैं, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा पर मीटर क्यूब। इसी के साथ जो लास्ट में है हमारे पास वो है चार्ज, इसके लिए यूनिट है हमारे पास वो है कूलम, इसको हम सी, कूलम भी एक साइंटिस्ट का ही नेम है। तो इसके दूसरे ऐसे यूनिट वो है एम्पीयर सेकंड। अब ये कैसे आते हैं, ये इसके लिए भी आपको क्या होता है, जस्ट आपको फार्मूला याद होने चाहिए। तो करंट हमारे पास किसके होता है चार्ज पर यूनिट टाइम के। तो हमने क्यूब वैल्यू निकालने से कितने दे हैं आई मल्टीप्लाई टी क्यूब, तो हमारे पास क्यूब किसके इक्वल आएगा, आई के यूनिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट के एम्पीयर, इसकी सिंबल क्या है ए, तो साथ टाइम है, टाइम के यूनिट आपको पता है सेकंड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर, तो आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।